फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करेंगे अ वेक्टर, ठीक है। दिन हमारा 11वां रहेगा, जो हमारे 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो चल रहे हैं उसके लिए, और क्वेश्चन रहेंगे 226 से 245। थोड़ा सा डिले किया है लेक्चर, क्योंकि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी थी वीडियो क्वालिटी के अंदर, तो एग्जाम के लिए टाइम है, तो अपना आराम से पूरा हो जाएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और कोशिश करूंगा कि 50 जो मॉक टेस्ट है पूरे सिलेबस के, वो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ सारे कंप्लीट, और उनकी पीडीएफ भी आपको दूँ, ठीक है। तो देखते हैं वेक्टर के क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम के अंदर, तो बस थोड़ा सा एक आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले का, ठीक है। फॉर्मूले पता है फिर कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं आती। जैसे कि सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, जो कि मोस्टली सभी केसेस के अंदर यूज होता है, क्या कि जो साइन थीटा है वो होता है ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये होता है। और साइन थीटा से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ये होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। देखिए सिंपल सिंपल फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4/5। अगर साइन थीटा आपका 4/5 है तो कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया आपका 3/5, ठीक है। और ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 2, तो ये कितना दे रखा है 5, और कॉस थीटा कितना है 3/5, तो ये कट हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 6। बहुत ही इजी तरीके से आ गया, ना कभी कोई मिस्टेक होगी, ठीक है। बस जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो हमने इसके अंदर यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है अगर ये दोनों सेम है तो क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा परपेंडिकुलर, याद भी रख सकते हैं बिल्कुल, और अगर आपको याद नहीं रखना हो तो एक काम करो, इन दोनों का स्केयर कर देते हैं। अगर इन दोनों का स्केयर किया, भी ए प्लस बी इसका स्केयर और ए माइनस बी इसका स्केयर, अगर ये दोनों सेम है तो इनका स्केयर भी तो सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, तो इसका स्केयर हो गया, इसका स्केयर हो गया, प्लस में 2 क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। इसी तरीके से ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर और माइनस 2 ए डॉट बी, तो ये तो जो है कट हो गए। अब बचा क्या, ये बचा 4 ए डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या आ गया 0, ए डॉट बी 0 है, यानी कि इसमें जो थीटा है कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि इसके अंदर कॉस थीटा लगता है, कॉस थीटा कहाँ होता है 90 पे होता है ना, तो 90 पे, तो ए परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बी के ऊपर। तो सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी है हमको याद भी होनी चाहिए ये चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हम एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला जो है याद रख सकते हैं, क्या कि जो एलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ना, वही याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं आती। इसका स्केयर प्लस में इसका स्केयर, ठीक है। तो ये होता है 2 ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये जो फॉर्मूला है हम याद रख सकते हैं, मोस्टली सभी के अंदर जो है ये यूज हो जाता है। तो ये दे रखा है कितना, ये दे रखा है 7, 7 का स्केयर हो गया 49, 2 इसका स्केयर, इसका स्केयर क्या हो जाएगा 9, और इसका, इसका स्केयर कितना हो जाएगा आपका 16, तो ये कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई 250, 50 में से 49 गया 1, और 1 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका रूट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप जो है याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बोलता है कि डायगनल दे रखे हैं और ये बताना है कि इनके अंदर से क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है। तो इसमें हमको क्या देखना है, इसके अंदर हमको देखना है डायगनल, डायगनल की क्या देखनी है, पहले तो देख लो लेंथ, लेंथ देख लो डायगनल की, ठीक है। लेंथ कैसे देखेंगे, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड,
तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका क्या इतना हो गया रूट 49, और ये कितना हो गया 7 हो गया। और सेकंड वाले का चेक करते हैं, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 1 प्लस में 9, तो ये कितना आ गया रूट 26। तो डायगनल की जो लेंथ है वो सेम नहीं है, तो डायगनल की लेंथ अगर सेम नहीं हो तो या तो वो पैरेललोग्राम होता है या वो रोमबस होता है, ठीक है ना। सेम हो तो वो या तो रेक्टेंगल होता है या स्केयर होता है। अब देखते हैं परपेंडिकुलर है या नहीं, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, इनका जो डॉट है वो जीरो होना चाहिए, तो इनका डॉट देखते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई से करी तो कितना गया 12, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करी माइनस का 6 और माइनस का 6, तो ये जो है ये आ गया जीरो, मतलब कि ए डॉट बी ये क्या रहा है जीरो, जीरो आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर इसके अंदर होते हैं, लेंथ सेम ना हो और परपेंडिकुलर हो वो रोमबस में होते हैं। डायगनल की लेंथ जो है सेम नहीं है और जो डायगनल है वो क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो और लेंथ सेम ना हो इसके अंदर होता है, रोमबस के अंदर होता है, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बताना है, एरिया हमने ये 3D वाले के अंदर भी किया था ये क्वेश्चन, लेकिन ये वेक्टर के फॉर्म में भी आ सकता है, दोनों चैप्टर के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, ये होता है 0 2 2 के पॉइंट ले लिया आपने, ये ले लिया 2 0 माइनस 1 और ये ले लिया 3 4 0, ये आपका ए है ये बी है और ये सी है, तो कोई भी दो साइड ले लो, मान लीजिए ए बी और ए सी ले लिया, इनका क्या कर दिया, इनका कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड 1/2, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आ जाए, क्लियर। तो सबसे पहले तो ए बी ले लो और उनका मैग्नीट्यूड भी लेना है, तो पहले तो ए बी मतलब कि बी में से ए माइनस करोगे, बी में से ए माइनस किया तो क्या आ गया 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस 3 ए कैप, बी में से ए माइनस किया। इसी तरीके से सी में से ए माइनस किया, सी में से ए माइनस किया तो क्या आ गया 3 आई कैप और 2 जे कैप और माइनस का 2 के कैप, या तो इन दोनों का क्या करना है क्रॉस करना है, तो इन दोनों का अगर हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो आई जे के 2 माइनस 2 माइनस 3 3 2 माइनस 2, ठीक है ना, इनका क्या कर दो क्रॉस कर दो। तो इनका अगर हमने क्रॉस किया उसके बाद मैग्नीट्यूड भी लेना है, तो पहले क्रॉस करो, ये कितना हो गया 4 4 और 6 कितना हो गया 10 10 आई कैप, ये माइनस ये ना होता है पहले ही, और ये चला गया चला गया, ये आपका माइनस 4 और प्लस का 9 माइनस का 4 और ठीक है प्लस का 9 ये कितना हो गया 5 माइनस का 4 और प्लस का 9 ठीक है 5 हो गया ये। और उसके बाद जो k है ये लेना है आपको कितना 4 प्लस 6 ये भी कितना लेना है 10 लेना है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम करें तो पहले तो रूट 10 का स्केयर कितना 100, 5 का 25 और ये भी कितना हो गया 100, ये हो गया 225। तो 225 किसका रूट होता है 15 का, तो ये 15/2 आपका जो है आंसर आ गया, ये जो आपका क्या आ गया एरिया आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सिंपल क्या करना है, कोई भी दो साइड लो उनका क्रॉस करो, क्रॉस करके उनका मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाय क्या करना है 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर बोलता है कोप्लैनर है, तो कोप्लैनर में क्या होता है, कोप्लैनर के अंदर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये आपका जीरो होता है तो कोप्लैनर हो जाते हैं। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर लो, तो 1 माइनस 1 और 1, 2 1 और माइनस 1, लेमडा माइनस 1 और लेमडा, ये दे रखे आप। और इसका जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, डिटरमिनेंट जो है किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व किया ये हो गया लेमडा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट लेना है सिंपल, ठीक है। तो ये 2 लेमडा और प्लस में लेमडा प्लस 1 ये चला गया माइनस 2 एंड माइनस लेमडा इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी बस, तो लेमडा माइनस 1 3 लेमडा माइनस 2 माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका आंसर आ गया कितना आ गया, इससे तो ये कट हो गया
और ये बच गया माइनस का 3 प्लस का 3 लेमडा इक्वल टू 0, और ये आपका जो आंसर है लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 1 आपका आंसर आ गया। सिंपल, अगर आपको ये चीज पता थी क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, आपका आंसर हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल दे रखा है। मान लीजिए ये तो आपका है ए वेक्टर और ये आपका है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल दे रखे कितना, पाई बाय थ्री। अब ये बताना -5 है, -5 कहाँ बनेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड 5 गुना हो गया, तो इस तरह बन जाएगा ये, इसके डायरेक्शन इधर होगी। और 6b तो इसी का मैग्नीट्यूड 6 गुना हो गया, इसका डायरेक्शन तो यही रहेगी, तो ये वाला एंगल बताना। ठीक है, टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल तो 180 डिग्री है, उसमें से ये वाला माइनस कर दो 60, तो कितना बच गया 120 डिग्री, मतलब कि पाई में से अगर माइनस कर दिया पाई बाय थ्री, तो आपका क्या आंसर आ गया, 2π/3 आ गया। बस डायग्राम क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, वरना तो अगर इसको फॉर्मूले से करें तो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है एंगल बताना है और साइन का एंगल बताना है, कोई कॉस का निकाल लो पहले। ठीक है, तो कोस का एंगल कैसे निकालते हैं, कोस का एंगल निकालते हैं ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो डॉट तो सिंपल कर लो, 1 मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, -1 प्लस 4 और प्लस का 9 डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 प्लस 4 प्लस 9 और 1 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, ऊपर से तो कितना है, 9 4 13 में से गया 12 और नीचे आ गया 13, तो ये तो आपका कितना आया, कोस थीटा। ठीक है, 9 4 13 तो ये भी 13 बना, अच्छा, 9 4 13 14 14 बना यहां से। ठीक है, मतलब कि 6/7, 6/7 आ गई। ठीक है, और साइन थीटा अगर हम देखें तो 1 माइनस में 36/49, तो √13/7, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका साइन थीटा आ गया, बी आंसर आ गया। सिंपल कोस थीटा निकालो, उसके बाद साइन थीटा का तो सिंपल फॉर्मूला जो होता है वही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर, ये कोलिनियर है, एक वैल्यू बतानी है। आप कोलिनियर में किसी तरीके से भी निकाल सकते हो, या तो एरिया निकाल लो 0 होता है, या डायरेक्शन रेशो सेम होती है, किसी तरीके से भी आप कर सकते हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जैसे मर्जी आपका मन करे वैसे निकाल लीजिए। जैसे कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो है ये है 10i कैप, 3j कैप, ये है 12i कैप, -5j कैप, ये है 8i कैप और ये है 11j कैप। तो अगर हम डायरेक्शन कोसाइन से देखें उससे भी आ जाएगा, देखो इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो माइनस का 2 आ रहा है, और इसमें से ये वाला माइनस कर दो 12 माइनस ए हो गया। इसी तरीके से जे वाला माइनस करते हैं, इसमें से अगर ये माइनस किया तो कितना आ रहा है 8, और इसमें से अगर हमने ये माइनस किया तो कितना आ रहा है माइनस का 16। ठीक है, मतलब कि जो रेशियो है वो कितनी आ रही है, 1 और 2 आ रही है, बट एक प्लस का दूसरा माइनस का है। ठीक है, अब ये जो है ये -2 आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना आना चाहिए बताओ, तो ये आना चाहिए आपका, इसे डबल आना चाहिए और साइन जो है अपोजिट आना चाहिए। ठीक है, तो ये -2 है तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो 12 माइनस 8 इक्वल क्या आना चाहिए, 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 8 जो है आपका आंसर आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, एरिया वाला लगाना है, डायरेक्शन रेशो वाला लगाना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, जैसे मर्जी कर लीजिए, जैसे 2D में करते थे वैसे आपको 3D में, वैसे वेक्टर में आपको करना है। तो मैंने सिंपल ट्रिक लगाई, रेशो वाली ट्रिक लगाई, उससे आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्शन बताना है ऑन द वेक्टर। प्रोजेक्शन क्या होता है कि ए का प्रोजेक्शन बताना है किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो ये होता है ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बताना है बी के ऊपर, ऊपर तो क्या हो गया 4 प्लस का 8 माइनस का 7 और बी का डॉट, मतलब किसका डॉट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 16 प्लस 16 प्लस में 49, और इनका क्या करना है रूट करना। तो ऊपर तो 8 और 4 12, 12 में से 7 गया 5, 16 16 32, और 32 और ये हमने किया तो कितना आ गया 81, 81 का रूट 9। ठीक है, 5/3
नो आ गया आपका, ठीक है। और ऊपर तो हमने डॉट कर दिया, डॉट कर दिया तो इधर 4 हो गया, प्लस में 8 हो गया और माइनस में 7 हो गया, ठीक है। और नीचे आपका आ गया 32, 32 अगर इसके अंदर जोड़ा, हाँ तो ठीक है, 81 हो गया, 81 का 9, तो 5/9 आना चाहिए भाई आपका प्रोजेक्शन वेक्टर बताना। हाँ ये 5/9 आएगा इसका आंसर, कहीं मिस्टेक कर दी है, ठीक है, 5/9 ही आएगा, तो कहीं हमने ना मिस्टेक कर दी हो। 8 6 12 और 7 19, अभी प्लस का करें फिर तो सही आ जाएगा, बट प्लस का है नहीं, या तो क्या काम कर लो, इधर कर लो प्लस का, ये माइनस है ना, ये प्लस का करो, प्लस का करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 19, 19 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो ये वाला प्लस का करो, वरना आंसर जो अपना आया था 5/9 वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमने तो किया भी था पहले, अभी किया था, बट इसमें वैल्यू थोड़ी दूसरी निकालनी है, उसमें ए डॉट बी निकाला था, तो कोई बात नहीं, वही हम ट्रिक लगाएंगे। क्या कि जो आपका कॉस थीटा होता है वो होता है ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, इसे हम निकाल लेंगे साइन थीटा। और जो आपका साइन थीटा निकाल लेंगे, और ये जो होता है ये क्या होता है आपका, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले तो ये आपको क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, ये दे रखा है 10 और 2, तो अब ये चला गया 2 से चला गया 6 पे, और 2 से चला गया 3/5, तो साइन आ गया 4/5, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 4/5, तो ये आपका कितना आंसर आ गया, 16 आंसर आ, ठीक है, बी आंसर आ, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताने किसके इक्वल है, तो ए वेक्टर दे रखा है कोई, ए वेक्टर को हम कैसे एज्यूम करते हैं, इसको आई कैप भी एज्यूम करना पड़ेगा, जे कैप भी एज्यूम करना पड़ेगा, तो इसका कोफिशिएंट के कैप भी एज्यूम करना पड़ेगा, इसी तरीके से एज्यूम करेंगे किसी भी वेक्टर को। अब इसका डॉट हम कर दे किसके साथ, आई कैप के साथ, इसका डॉट अगर हम कर दे किसके साथ, आई कैप के साथ, इसका डॉट करेंगे तो क्या आएगा, ए वन आएगा, ठीक है। और ए वन का फिर डॉट कर दे किसके साथ, इसके साथ, तो यही आएगा बस, ये ऐसे ही बन जाएगा ये, क्योंकि ए वन तो कॉन्स्टेंट बन गया। इसी तरीके से फिर इसका डॉट करे जे के साथ, तो ये आएगा ए टू, और ए टू फिर जे आ जाएगा दोबारा, और इसी तरीके से इसको करे के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ए थ्री, और ए थ्री का के साथ करें तो ये आ जाएगा, और इन तीनों को ऐड करें, इन तीनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर ही आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। बस कुछ भी एज्यूम कर लो, लेकिन ध्यान रखना कि तीनों एज्यूम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि इसमें से कौन जीरो है या नहीं है, तो तीनों जो कोफिशिएंट है वो आपको एज्यूम करने पड़ेंगे, तो ये आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू बतानी है, और ये आपको क्या दे रखा है, क्रॉस दे रखा है, ठीक है ना, क्रॉस दे रखा है, तो क्रॉस दे रखा है तो पहले क्रॉस कर लो इसका। तो कैसे करते हैं क्रॉस, आई जे और के लिखो, इनके कोफिशिएंट लिखो, या लेमडा 1 -1, 3 -2 और 4, और इनका ले लो डिटरमिनेंट, ठीक है। तो आई कैप ये हो गया कितना, 4, और माइनस माइनस प्लस 2 बच गया, माइनस जे, और ये चला गया, और लेमडा प्लस का 3, और प्लस का के, ये चला गया माइनस का 2 लेमडा और माइनस का 3, तो ये आ गया कितना, 2 आई कैप, ठीक है, और यहां से आ गया कितना, 4 लेमडा प्लस 3 जे कैप, और माइनस 2 लेमडा माइनस 3 और के कैप, ने किसके इक्वल दे रखे इसके, तो मतलब कि 4 लेमडा प्लस 3 किसके इक्वल हो गया, 11 के, ये किसके इक्वल हो गया, 8 के, और ये किसके इक्वल हो गया, 2 के, तो यहां से आंसर आपका 2 आ गया। और या फिर इसको इक्वल कर लो 7 के, -2 लेमडा -3 इक्वल टू -7, और ये आपका हो गया -4, और ये हो गया 2, एक कर लो कोई भी, दोनों से सेम आंसर आएगा, तो आपका 2 आंसर आ गया, सिंपल क्रॉस करना था इसका। नेक्स्ट है, इसके अंदर बोल रहा है पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए और बी, पोजीशन वेक्टर ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, एबी की लेंथ बतानी है, तो एबी तो निकालना पड़ेगा पहले, एबी कैसे निकलता है, बी माइनस ए करेंगे, तो
बी माइनस ए करेंगे तो आई जे माइनस के बी में से क्या माइनस करेंगे, ए, तो थ्री आई कैप, फाइव जे कैप, टू के कैप। तो अगर माइनस कर देते हैं तो ये बन गया क्या, माइनस टू आई कैप हो गया और प्लस का सिक्स जे कैप हो गया और माइनस का थ्री के कैप हो गया। ये भी आ गया, इसके डिस्टेंस निकालनी है तो 4 + 36 + 9 और इसका रूट, तो 49 का रूट 7 7 आ गया। बस बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सभी के सभी ये क्वेश्चन एनडीए की है, अगर 2006 से 2012 की 2019-20 तक की बात करें तो सभी क्वेश्चन एनडीए के, लेकिन वो क्वेश्चन है जो एयरफोर्स नेवी में भी आ सकते हैं और एनडीए के अंदर तो आए हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो हम बहुत इजी तरीके से इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वल दे रखा है, दोबारा फिर से क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका क्या आंसर था, परपेंडिकुलर अभी हमने देखा था तो दोबारा रिपीट क्यों किया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो इसके अंदर आपको ये परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, डॉट जो है जीरो होता है, तो इनका डॉट ले लीजिए तो लेमडा और वन माइनस लेमडा, वन प्लस लेमडा और लेमडा, नेक्स्ट 1 + 2 लेमडा और 2, इनका जो है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देख लो जीरो कैसे बनेगा, क्या वैल्यू बनेगी लेमडा की, तो लेमडा माइनस लेमडा स्क्वेयर प्लस लेमडा स्क्वेयर प्लस 2 + 4 लेमडा इक्वल टू 0, ये तो कट हो गया, तो ये कितना आ गया, 6 लेमडा + 2 = 0, 6 लेमडा = -2 और λ = -1/3। ठीक है, जो भी क्वेश्चन देना था उसको सिंपल सोल्व करते जाओ, जैसे भी बोल रहे अपने आप ही आंसर आएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर √3 दे रखा है, मतलब कि ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर है उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड √3 दे रखा है और 2 यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, यूनिट वेक्टर है ना, तो सब बताना है इसका, मतलब कि आपको बताना है ए प्लस बी, ये बताना है। ठीक है, तो बस फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या बताया था, इसका स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वेयर क्या होता है, 2 ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, तो जो पता है वो पुट कर दो, तो एक तो इसकी वैल्यू पता है √3, तो ये कितना हो गया 3, ये 2, ये 1 और ये भी 1, तो 1 1 2 4, 4 में से 3 गया 1 और 1 का रूट क्या बनेगा, 1 का रूट बनेगा 1, अगला बस आंसर। ठीक है ना, वही फॉर्मूला ध्यान रखना, जो सिंपल एलजेब्रिक फॉर्मूला है ना वो याद रखना है, बस उसी के बेस पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, अब ये बताओ इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, तो इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं ऑप्शन से हो जाएगा, जिसका डॉट इसके साथ 0 आ जाए। अभी देखो इसका डॉट इसके साथ कितना आएगा, 2 - 1 और -1, इसका 0 आ रहा है, इसका इसके साथ, इसके साथ साथ चेक करते हैं 3 - 4 + 1, इसके साथ भी 0 आ रहा है, तो बस ये आंसर ही आ गया और किसी के साथ बनेगा नहीं। ठीक है, और किसी के साथ नहीं बनेगा, इसके साथ 0 आ रहा है, इसका भी डॉट इसका भी डॉट, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आंसर आ गया, बस ऑप्शन से किया। नेक्स्ट है आपका एंगल बताना है ए एंड बी के बीच में और ये 0 दे रखा है, तो अब देखो ए बी और सी दे रखा है 0, अब अपने को ए और बी का चाहिए, मतलब सी तो चाहिए नहीं अभी, तो जो नहीं चाहिए उसको दूसरे साइड ले जाइए, ले गए ए और बी, इधर बच गया, अब दोनों का कर दो स्केयर, कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं स्केयर, तो इसका स्केयर किया तो ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर और 2 ए डॉट भी होता है, और ए डॉट का बी का मतलब क्या, ए बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा और इसका मतलब सी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो जो पता पुट कर दो, तो 3 का स्केयर 9 और 5 का स्केयर 25, ये 2 ये 3 ये 5 ये cos थीटा और 7 का स्केयर 14। अब cos थीटा थीटा क्या आएगा, इन दोनों का एंगल आएगा ना ए और बी का, ठीक है, तो 25 और 9 34 और 5 से 15 दूनी 30, अरे कितना होगा 34, उधर जाके लेस हो गया 15 और cos थीटा आ गया कितना 1/2 और 1/2 कहाँ होता है 60 डिग्री पे होता है, तो एंगल कितना आ गया पाई बाय 3, 60 डिग्री। ठीक
है ना। तो बस सिंपल फॉर्मूला लगाना था और ये ध्यान रखना था ए और बी के बीच में चाहिए भी यहाँ रख लो, बाकी सब उधर ले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ए बी बी सी और सी ए निकालना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ए बी और सी ये दे रखा है जीरो, ठीक है। तो अब दोनों साइड कर देते हैं, हम स्केयर कर देते हैं, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर। तो इसका स्केयर होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, सी के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस में टू और ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं वही फॉर्मूला है, सिंपल और कुछ नहीं है। एक स्केयर बी स्केयर सी स्केयर टू ए बी टू बी सी और टू सी। अब ये क्या दे रखा है, ये 9 दे रखा है, ये 25 और ये कितना दे रखा है 49। और ये तो वैसे का वैसे क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है। तो अभी कितना हो गया 25 और 9 34, 34 और ये आपका हो गया कितना 83, 33 बाय 2 हो जाएगा, पहले 83 डिवाइड बाय 2 मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -83 बाय 2 आ जाएगा, ठीक है ना। बस हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस ये फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है फिर तो आसान है। तो ये कंप्लीट हो गया आपके सभी के सभी क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ये थे, जिसके अंदर सिंपल फॉर्मूला था जिसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन अगर आपने कर लिए बहुत अच्छे से, तो जो भी आपका एयरफोर्स का या नेवी का एग्जाम है तो कोई भी क्वेश्चन वेक्टर का आएगा तो हम कर लेंगे। और एनडीए का अगर आएगा, मान लीजिए हम 5 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन तो इनमें से होते हैं। एक क्वेश्चन अगर मुश्किल आ भी गया और हमसे नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मिनिमम जो मार्क्स लेने होते हैं वो कितने 40% पे आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है एनडीए का, ठीक है। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, तो पहले इजी करेंगे तभी टफ करेंगे, टफ वाला भी कवर करेंगे, तो पहले ये अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के।